नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं बंधा गोभी का ब्लैक रोट डिजीज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये डिजीज़ कैसे आता है, कैसे पहचाने, कैसे इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए, सबके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं ये बीमारी कहाँ से आया। तो दोस्तों, ये बीमारी एक्सेंथोमोनास कैम्पेस्टरिस नाम का एक फंगस है जो कि न्यूयॉर्क से आया है 1893 साल में। तो दोस्तों, अब आते हैं इस डिजीज़ को कैसे पहचाने। तो ये डिजीज़ जो है वो ये पूरे पत्ते में नहीं आता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं कि पत्ते के जो साइड का किनारा है उसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरे पत्ते में फैल जाता है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि ये जो ऊपर वाला पत्ता है, नया पत्ता, इसमें नहीं आएगा। ये नीचे जो है पूरा पुराना पत्ता है, इसमें थोड़ा थोड़ा साइड में लगता है और धीरे धीरे करके पूरे पत्ते में फैल जाता है। उसके बाद ऊपर के पत्ते में भी, अगर ज़्यादा अटैक हो जाता है तो ऊपर के पत्ते में भी हो जाता है। अब आते हैं इस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, इस डिजीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो आपको, जैसे दुकान जाते हैं तो दुकान में सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, तो उस टाइम आपको कोई भी फंगिसाइड लेना है, एक पाउडर का WP फॉर्म का, जैसे कि कार्बोंडाजाइम है, मेनकोजेम है। तो ये दवाई लेके आपको बीज उपचार करना चाहिए पहले, उसके बाद ही आपको मिट्टी में लगाना चाहिए, तब आपका ये डिजीज़ लगने का संभावना बहुत कम होगा। और अगर बाय चांस ये करने के बाद अगर डिजीज़ बाय चांस पाद में लग गया तो आपको क्या करना है, बाज़ार में ब्लू कॉपर नाम का एक दवा आता है सिंजेंटा कंपनी का, और इसका टेक्निकल है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि रेलिल्स कंपनी का भी आता है बिल्टॉक्स नाम का दवा। तो ये दवा आपको 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, तब आपको ये बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों बंधा गोभी का ब्लैक रोट डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी।